इस वीडियो के एंड होते होते मैं इस एक रुपए के सिक्के को कन्वर्ट करने वाला हूँ एक ब्रांड न्यू आईफोन के अंदर। तो भाई चलिए देखते हैं इस एक रुपए के सिक्के से हम पहले क्या खरीद पाते हैं और कितना प्रॉफिट करते हैं। चलो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आ गया पास ही की एक दुकान पे जहाँ से मुझे एक रुपए में कोई प्रोडक्ट खरीदना था। अपग्रेडेशन अपने दो टोपी हुई है, अब देखते हैं कम से कम 500 में तो बेचेंगे। और च्युइंगम को बेचने मैं आ गया पार्क के अंदर। भाई अपना पहला बंदा मुझे मिल गया जिससे मैं च्युइंगम ट्रेड करने वाला हूँ। खरीदोगे? खरीदो तो ये नहीं चाहिए भाई, नेक्स्ट आगे देखते हैं कोई लेता है तो। आप ले सकते हो क्या? सको तो जेब में 9 रुपया देख लो। फायदा क्या है? मेरा फायदा जो आईडी मेंशन करोगे इंस्टाग्राम पे अपना 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बदले में मुझे इनकी इंस्टा आईडी मेंशन करना पड़ेगा तो फॉलो कर लेना सर। ये देखो भाई ये आईडी है, ठीक है, इन्हें इंस्टा पे फॉलो कर लेना और मेंशन कर देना मुझे भी। हेलो। तो भाई फाइनली अपना 9 रुपए का प्रॉफिट तो हो चुका है। आप देखते हैं इस 9 रुपए से हम क्या खरीदते हैं और क्या आगे से आगे प्रॉफिट बनाते हैं। वो रही पीछे दुकान, देखते हैं वहाँ से हमें क्या मिल पाता है। आओ लेट्स गो। तो 5 वाला बिस्किट दे दो। अरे भाई चलो कोई नहीं, अभी से हम देखते हैं यार 10-15 का तो बेच ही देंगे। अंकल बिस्किट लोगे? चलो ठीक है कोई नहीं। एंड इसके बाद मुझे मिला 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, यहाँ तक कि 4 रिजेक्शन भी लगातार मिल गए। बट फिर हमें मिलते हैं ये भाई, वीडियो बना रहे हैं। तो खरीद सकते हो ये? हाँ खरीद सकते हो। कितने दोगे इसके? 10। चलो भाई फाइनली भाई एक बंदा तो मिला जो 10 दे रहा है। लो भाई थैंक यू यार। खरीद रहे हो क्या? 10 रुपए का और प्रॉफिट। अभी तक आधा घंटा हो चुका है, 14 रुपए बने। अब इससे कुछ देखते हैं, सस्ता अगर मिल जाए तो उसे आगे महंगे में बेचेंगे। मेरी दुकान यहाँ से चाहिए। तो भाई 15 रुपए का सामान आ चुका है अपने पास में, अभी से ट्राई करते हैं कम से कम 30 या 40 तक में बेचने का। लो भाई फिर से उसी पार्क में आ गए जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। बंदे तो यहाँ पे बहुत है, देखते हैं कौन खरीदता है या फिर कौन नहीं। लेट्स गो। खरीदोगे क्या मुझसे कुछ? कुछ खरीदोगे? बिस्किट या चिप्स? कितने में? सच बता यार। फिर इन 30 रुपए का भी मैं सामान खरीद लेता हूँ। मैंने 30 रुपए में 5-5 के 2 बिस्किट लिए और 10 वाले 2 चिप्स लिए, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि ये चिप्स और बिस्किट हमसे कोई खरीद ही नहीं रहा था। हर जगह से हमें बस रिजेक्शन ही मिलते रहे। तो गाइस यार 4 घंटे से फिर रहे हैं पिछले, एंड सिर्फ 30 रुपए का मैं जिसमें से भी 1 बिस्किट भाई खा भी गया, रुपए नहीं दिए। चलो वो तो कोई नहीं, पड़ा अभी हमारे पास 25 रुपए का सामान है। एंड यार घूम घूम के थक चुका, तो कल देखेंगे कल क्या करते हैं। The next day. तो भाई आज हमारा डे 2 ऑफ टर्निंग रुपीज 1 into 1 आईफोन, और कल का दिन हमारा बहुत ही ज्यादा बेकार था। सिर्फ 30 रुपए का हमने प्रॉफिट किया, जिसमें भी जो सामान खरीदा वो मेरे बैग में ही है। अभी उससे पहले हमें बेचना है, एंड फिर आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले इस सामान को बेच के आते हैं चलो। और सेकंड डे की शुरुआत होती है, मैं इन सभी सामान को बेच भी देता हूँ। तो भाई फाइनली मैंने सारा सामान बेच दिया, एंड उससे मैंने 40 रुपए का प्रॉफिट तो कर लिया। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बिजनेस में तो पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं पैसे से पैसा नहीं बनाऊंगा, अपनी स्किल से पैसा बनाने का ट्राई करूंगा। तो मेरा प्लान कुछ ऐसा है, मैं अलग अलग कैफेज में जाके उन्हें बोलूंगा कि मैं आपके सिनेमेटिक शॉर्ट्स ले लूंगा, एंड उन्हें एडिट भी कर दूंगा। बट मैं इन सभी का लूंगा थोड़ा बहुत चार्ज। तो अब जाके देखते हैं भाई, मेरे पास में इधर आसपास में 2-3 कैफेज है, तो देखते हैं इनसे भी जाके पूछते कि हम आपके सिनेमेटिक शॉर्ट्स निकाल देंगे, एडिट भी कर देंगे, पर हम उनका कुछ चार्ज लेंगे। तो अभी देखते हैं, क्या पता हमें कुछ काम मिल जाए इधर। एंड लकीली मेरा आइडिया काम भी कर जाता है। भाई मैंने इधर पूछ तो लिया, ये क्या तो रहे शूट करने का, एंड मैंने इन्हें चार्ज बताया 100-150 रुपए। ट्राई करते हैं भाई, बढ़िया से शूट करेंगे एंड रुपए कमाएंगे। लेट्स गो। आओ भाई सबसे पहले मैं इनके कैफे के शॉर्ट्स लेता हूं, एंड वहीं बैठ के मैं एडिट करके उन्हें वीडियो भी दे देता हूं। तो भाई फाइनली अपने 150 रुपए इस कैफे से तो हो गए, अभी और भी कमाने, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कैफे पे। एंड इसके बाद मैं आ गया 0° पे, एंड यहां पे भी मैं शूट कंप्लीट कर देता हूं। और यहां से अभी मुझे रुपए तो मिले क्योंकि मैं इन्हें वीडियो कल एडिट करके दूंगा। भाई देखते हैं अब शाम हो रही है, या तो हम घर पे निकलते हैं या फिर देखते हैं भाई एक और कोई शॉट करना होगा। तो भाई आज है अपना डे 3, एंड मैं आज अकेला ही हूँ, आज मुझे सारा शूट अकेला ही करना पड़ेगा। एंड अभी मैं आया हूँ 0° ये रहा सामने, एंड कल जो मैंने यहाँ पे शूट किया था आज मैं उसे एडिट करके लाया हूँ, तो इनको दिखाएंगे। यहाँ से पे आउट लेके अपन निकलेंगे अपने नेक्स्ट कैफे पे। तो भाई चलते हैं उधर, गाड़ी ये रही, एंड आज सारा काम मुझे अकेला ही करना पड़ेगा, खुद का शूट मुझे करना पड़ेगा, बाकी कैफेज का तो मैं निकाल ही लूंगा सिनेमेटिक्स। तो भाई निकलते हैं अंदर एंड बात करते हैं, क्या पता वीडियो पसंद आए ना आए, देखते हैं होप सो पसंद आ जाएगी। चलो भाई चलते हैं अंदर। लो भाई यहाँ पे मैनेजर तो है नहीं, वो 2 बजे आएंगे, तो अभी 12 बजे, एंड भाई देखते हैं 2 बजे आएंगे इधर वीडियो दिखाने। तो अभी चलते हैं अपने दूसरे कैफे पे, एंड वहाँ पे पूछते हैं भाई शूट करने का, अगर परमिशन मिल जाए शूट करते हैं, एंड देखते हैं। यहाँ पे तो अपने को 2 बजे आना पड़ेगा। भाई ये पीछे बर्गर फार्म है, यहाँ पे मैं आया था, यहाँ पे भी ओनर नहीं है। ये कह रहे हैं 4 बजे तक ओनर आएंगे,
भाई मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं आ गया ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड इस पॉइंट पे आके मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा जल्दी आने का कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सभी के ओनर या फिर मैनेजर 2 बजे के बाद ही आते हैं। बट फिर भी मैं रुका नहीं, मैं और भी कैफेज में जाके उनसे पूछने लगा। बर्गर कंपनी अभी यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे भाई पूछते हैं। आई होप सो इधर भी मैनेजर हो यार, मैं ऑलरेडी 3-4 जगह जा चुका हूँ जिधर सभी ने मुझे बोला 2-3 बजे के बाद आना है, एंड अभी भाई 1 बजे है। तो यार देखते हैं अंदर भाई, काश यार इधर शूट हो जाए कंप्लीट। तो भाई ये बर्गर कंपनी पे मैं आया था, इनका भी शूट करना है मेरे को, आधा तो अभी शूट कर लूँगा, बाकी इन्होंने मेरे को शाम को बोला है, तो अभी बाहर का मैं ले लेता हूँ, बाकी शाम को आके फिर से आधा शूट कम्प्लीट कर देंगे इनका। लो भाई यहाँ का शूट तो डन हो गया है, इनको मैं शाम को वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो ये शाम को ही पेमेंट देंगे। अभी देखते हैं भाई, यार मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, मैं थक चुका हूँ, अभी टाइम हो गया है भाई 2:45 हो चुके हैं, तो बाकी अब जिन्होंने 2 बजे का टाइम दिया था उधर जाते हैं एंड कंप्लीट करते हैं भाई। बहुत मुश्किल चैलेंज है भाई, ले तो लिया बट अब कंप्लीट करके ही रहना है अपने को, मेन टास्क ये है। तो भाई मैं अभी आया था ये कैफ़े बड़ी नाम से, इधर आया था, इन्होंने तो शूट करने से मना कर दिया, ये हंग्री पॉइंट है, इन्होंने मेरे को शाम को बुलाया है एंड कन्फर्म कर दिया, तो शाम को आके यहाँ पे शॉट्स लेंगे। अभी भाई मैं सोच रहा हूँ घर पे निकलते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सुबह से भूखा हूँ, तो चलते हैं भाई घर पे चलते हैं एंड शाम को आके शूट करते हैं। लो भाई फाइनली घर पे आ गया एंड रास्ते में मैं 0° भी होते हुए आया, जिनका शूट मैंने कल किया था उन्हें वीडियो भी पसंद आ गई एंड उन्होंने मुझे दिए 350 रुपीज़। तो भाई 350 अभी तक का सबसे ज़्यादा अपना प्रॉफिट इसी कैफे से हुआ है। तो भाई अभी खाना खाते बहुत तेज़ भूख लगी है, थक भी चुका हूँ एंड फिर शाम को निकलेंगे, और शाम को आके मैं हंग्री पॉइंट का शूट भी कंप्लीट कर देता हूँ एंड यहाँ के मैनेजर ने मुझे फ्री पिज्जा भी ऑफर किया, और फ्री का खाना कौन ही छोड़ता है। वेल यहाँ से 300 रुपए और मिल गए, इसके बाद मैं आ गया पिज्जा एंड बर्गर पे, जहाँ शूट करते करते अंधेरा भी हो गया एंड यहाँ से भी मुझे मिले 250 रुपीज शूट करने के। भाई आज लिटरली शूट करते करते रात हो चुकी है भाई, ये देखो एंड रात के 8:30 हो गए, अब भाई घर निकलते हैं। तो भाई जिस पार्क से हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी, फाइनली हम उसी पार्क में आ चुके हैं, और पिछले 3 दिनों में हमने पूरे दिन मेहनत करके ये 1100 रुपए कमाए, और ये 1 रुपए से लेके 1100 रुपए तक का सफर बहुत ही ज्यादा मजेदार भी था, कुछ रूड लोग भी मिले, कुछ बढ़िया लोग भी मिले जिन्होंने हमें सपोर्ट दिखाया। तो भाई इस वीडियो का यही पे एंड करते हैं, 1 रुपए से 1100 रुपए तक का सफर बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। मेरे पास में और भी बड़े प्लान्स जिन्हें मैं पार्ट 2 में ट्राई करूंगा, तो अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे पूरे 1K लाइक्स कंप्लीट करा दो, जैसे 1K लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी से बनाने की ट्राई करूंगा। बाकी अगर आपके दिमाग में भी कुछ बिजनेस आइडियाज हो तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।